तो भाइयों, आप महाभारत में युधिष्ठिर को तो जानते होंगे, जो कि पुरुवंशी थे, चंद्रवंशी थे। तो भाइयों उसी वंश से हुए हैं जोधिया, और उसी के आगे वंश से ये जोहिया राजपूत हुए हैं, जिनको जोहिया भी कहा जाता है। जो मैक्सिमम सभी ऑलमोस्ट 100% जो दूसरे देश में चले गए हैं, और जो अभी इस्तेमाल कर रहे हैं वो अलग हैं, वो असली नहीं है। जैसे क्षत्रियों का गोत्र बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं। तो भाइयों, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि जो जाट युवाओं ने कुछ झूठ फैला रखा था, जो पांडु गोदारा है उनको उन्होंने बताया कि राठौर, तो राठौरों के आने से पहले जहां पर जाटों का राज था, और राठौरों को ऐसे नीचा दिखाया जाता है क्योंकि राव जो बिक्का राठौर हुए थे 1482 ईस्वी में, उन्होंने बीकानेर की स्थापना की थी, और उन्होंने बहुत सारे किलों के नाम बदले थे। जो जंगला देश होता था, एक तो इसकी जो रियासत होती थी बटनेर, जो बाटी राजपूतों की, जो बीकानेर मेन पॉइंट है जहां पर जोहियों का था, जहां से लेकर जो बॉर्डर लगता है वहां तक, और दूसरा मेन पॉइंट आगे जाओगे तो एक तरफ लोधराबा था, वो भी बाटियों का था, लोधराबा साथ में जैसलमेर बाद में बना, और एक तरफ जो था आप देख सकते हो कि वहां पर शेखावटी वाली साइड, वहाँ पर झुंझुनू चूरू वाली साइड, वहाँ पर चौहान राजपूतों का राज हुआ करता था, गोगा जी से लेकर वहाँ तक। तो ये इतिहास था। तो जाट दो गांव का, जाट कोई किसानदार रहा, किसानदार कोई ज़मींदार होगा छोटा सा, जो कि दो गांव का, जिसका नाम था पांडु गोदारा। उसने क्या किया, उसने राठौरों का साथ दे दिया उस वक्त, उसको इन्होंने बना दिया लास्ट राजा। और लड़ाई किसकी हुई थी, जो राव बिक्का राठौर थे, जो राव जोधा राठौर के, जिन्होंने जोधपुर बसाया, राव बिक्का राठौर ने युद्ध लड़ा था जंगल देश के आखिरी राजा, जिसका नाम था शेर सिंह जोहिया। शेर सिंह जोहिया से युद्ध लड़ रहे हैं। अगर पांडु गोदारा, मुझे एक दिमाग में लगाओ, पांडु गोदारा अगर राजा होता, लास्ट राजा होता, तो उसने भी उसको क्यों साथ देना था, उनका युद्ध किसके साथ लड़ना था, आप दिमाग लगाओ। इन्होंने क्या किया, दो गांव का जो जमींदार था छोटा सा, तब बट्टियों ने भी साथ दिया था, वो किसानदार था, उन्होंने क्या साथ दे दिया, क्योंकि जो ही ये उनको उनसे लगान लेते होंगे, क्योंकि उस वक्त 560 गांव के वो राजा थे। ये हर जगह आप पढ़ सकते हो, 560 गांव का राजा था राजा शेर सिंह जोहिया उस वक्त 15वीं सदी में, 1480 ईस्वी में। तो उनको राव बिक्का राठौर और जोहियों के बीच बहुत खतरनाक लड़ाई हुई, जिसमें जोहियों की हार हुई और राव बिक्का राठौर का वहां पर कब्जा हो गया। उसके बाद ही वहां से राठौर वंश का कब्जा हुआ, और बीकानेर का नाम बिक्का राव बिक्का राठौर पर बीकानेर पड़ गया। ये इतिहास है। उससे पहले जंगल देश था, उसका राजा भी एक जोहिया राजपूत था, जिसकी जंग हुई थी, और आप देखिए कि इतिहास कैसे बदलते हैं। तो भाइयों, उस जंग के बाद सभी जो है राजपूत, जो जैसलमेर, जो जो बीकानेर का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान पंजाब वाली साइड, चले गए थे। वहाँ बहुत ज़्यादा कन्वर्जन बाद में हो गए थे वो, और कई सारे जो 18वीं सदी तक इनके सामंत के रूप में भी रहे राठौरों के। तो सभी भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।